श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है, जो किसी दूसरों पर शक करता है। उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी देवता का पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी पूजा का फल देता हूँ। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है ये। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो उस भगवान पे, कभी ज्यादा मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मान। जब लोग आपके नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत करें। अच्छा काम करते रहिए,
चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी तो कभी किसी के फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपको खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये अजय इच्छा शक्ति से आती है। एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहा करता था। वह देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीजों में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मधुरवासी है, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता है। और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ कील से भरा हुआ एक डब्बा दिया। डब्बा देते हुए अपने पुत्र से इतना पूछा, बेटा तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, जरूर मानेंगे, क्या चाहते हैं? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करो, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो एक कील इस दीवार में ठोक देना। तुम्हें दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इसी तरह करो। लड़के ने हामी भर दी। पहले दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 के आसपास कील ठोक दी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाली कील की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उस दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति दो चार दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा, अब उसे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता हो कि तुमने उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया है स्वयं को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकाल। लड़के ने ऐसा ही किया। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया, बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दी, फिर पिता को जाकर सारी बातें कही। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे शब्दों के पास एक अपनी शक्ति होती है, और वो शक्ति ये है कि ये वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफी मांग लो, लेकिन इन दीवारों में बनी सुराख की तरह घाव फिर भी बना रहता है। इसलिए किसी को भी क्रोध में कुछ बुरा कहने से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से गदगद हो गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रित करने की प्रतिज्ञा ले ली। हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना चाहिए। इससे बनने वाला घाव हजार माफी मांगने से भी नहीं भरता है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कुछ अपने अनुभवों से, कुछ दूसरों को देखकर तथा किताबों को पढ़कर। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानियों के माध्यम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।